ओके थैंक यू। Okay, so let's start today's session. Hello, friends. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एमएम सीरीज एमएम लाइव जो हिंदी एमएम सीरीज हम कर रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रग हम डिस्कस करने वाले हैं। हम एक एक पॉलीट्रेस एक एक इंपॉर्टेंट जो भी ड्रग्स है जो भी दवाइयां है होम्योपैथी की हम डिस्कस कर रहे हैं एवरी वेनसडे 4 बजे हम मिलते हैं फेसबुक पे यूट्यूब पे हम लाइव करते हैं और आधे घंटे में जो मेन जीस्ट है वो दवाई का जो मेन इसेंस है वो हम डिस्कस करते हैं या कोई मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो डिस्कस करते हैं वो दवाई का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैक कनाइन। ओके लैक कैन जो लैक कैन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और ये जो है मिल्क रेमेडीज जो दूध से बनते हैं जो मिल्क से बनते हैं जैसे लैक डेफ्लोरेटम है लैक कैनाइनम है लैक फेलिनम है लैक ह्यूमैनम है और लैक यूपिनम है। डिफरेंट डिफरेंट दवाइयां जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के मिल्क से बनती है। इसमें से कुछ दवाइयां जो है जो बहुत पहले से प्रूवन है जैसे लैक डेफ्लोरेटम बहुत पहले प्रूव हुआ है लैक कनाइनम भी केंट के टाइम में प्रूव हुआ था। ओके सो केंट ने भी मेडिका में दिया है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंडिंग की कैसे करना है मिल्क रेमेडीज का। ओके तो अगर आप केंट पढ़ते हो केंट ने दिया है कि ये जो मिल्क रेमेडीज है ये जो मिल्क है वो हमने पोटेंटाइज करने चाहिए और अगर हम वो पोटेंटाइज करते हैं प्रूव करते हैं तो ये आप पढ़ सकते हो कि केन ने क्या कहा है मोस्ट एक्सेलेंट रेमेडीज जो भी मिल्क से दवाइयां बनेगी वो बहुत अच्छी रहेगी तो हमने और प्रूविंग करना चाहिए और उसने रेकमेंड भी किया है राइट। सो इफ यू हैड फुल प्रूविंग ऑफ मंकीज काउज एंड मेयर्स एंड ह्यूमन मिल्क तो लैक ह्यूमैनम का कॉन्सेप्ट तभी से केन ने दिया था अभी हमने रिसेंटली उसको प्रूव किया है राइट। लेकिन ये पहले से ही केन के दिमाग में आया था और केन ने क्या बताया बहुत इंपॉर्टेंट लाइन केन ने बोली है ये जो दूध से ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग एनिमल की मिल्क से दवाइयां बनती है वो क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि केन क्या बोलता है दे आर एनिमल प्रोडक्ट्स एंड फूड्स ऑफ अर्ली एनिमल लाइफ एंड देयरफॉर करस्पॉन्ड टू द बिगिनिंग ऑफ आवर इनर मोस्ट फिजिकल नेचर राइट जो बचपन से एज अ फूड एज अ न्यूट्रिशन हम उसे लेते हैं तो उसमें ये जो सब दवाइयां है ये जो लैक रेमेडीज है लैक के जो दवाइयां है उसमें क्या है हमारा उसमें वो करस्पॉन्ड करते हैं हमारा फिजिकल नेचर जो इवॉल्व हुआ है बचपन से। हम ये जो है रहता है लैक रेमेडीज है जैसे लैक डेफ्लोरेटम है या बफेलो मिल्क है या लैक ह्यूमैनम है ये दूध पी के बच्चे बड़े होते हैं तो वो बहुत करस्पॉन्ड करते हैं उनका बिगिनिंग जो नेचर है बॉडी जो नेचर है फिजियोलॉजी जो है और ये इंपॉर्टेंस हमें अभी दिखने भी लगा है डिफरेंट डिफरेंट लैक रेमेडीज में। ओके तो केंट वॉज
विजनरी मैन थे, उन्होंने पहले ही ये बोल दिया था। लेकिन केन ने वो टाइम पे ये भी बोला था कि लैक कैनानम अभी प्रूव तो हो गया है, हमने देना भी शुरू किया है, लेकिन अभी इसके एक्चुअल इफेक्ट समझने के लिए मे बी सेंचुरी का टाइम लग जाएगा। एंड केन वाज रियल वाज राइट, अभी स्लोली स्लोली ऑलमोस्ट सेंचुरी पास हो गई है केन जाने को भी, तो लैक कैनानम का पूरा क्लिनिकल पिक्चर भी अच्छे से डेवलप हो गया है। तो एफिनिटी कहाँ पे होती है लैक कैन की? लैक कैन की एफिनिटी होती है नर्वस सिस्टम, थ्रोट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेशली उसके साथ में ब्रेस्ट ग्लैंड्स पे भी होती है, और ग्लैंड्स में भी स्पेशली मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट एंड माइंड पे। ओके, तो ये चार मेन उसके सीट ऑफ एक्शन है। यहाँ पे हमको लैक कैन की प्रीडोमिनेंटली एक्शन दिखती है, डिसीजेज जो है, बीमारियां इसके रिलेटेड जो है वो हमें दिखती है। थ्रोट तो हमें सबको पता है कि जो लैक कैन आया होम्योपैथी में वो भी डिफ्थेरिया के वजह से, राइट? डिफ्थेरिया इज वन ऑफ द डिजीज, अभी तो इरेडिकेट हो गया, अभी दिखता नहीं है कॉमनली, लेकिन डिफ्थेरिया में उसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्डन डेज में भी ये जो है डॉग्स मिल्क, ये जो मिल्क है यूज करते थे डिफ्थेरिया के, डिफ्थेरिया में, वही से वो होम्योपैथी में आया और वही से प्रूविंग हुआ, और उसके और भी डिफरेंट डिफरेंट जो बीमारियों में जो यूज करने लगे हम वो प्रूविंग के बाद में शुरू हुआ, राइट? तो थ्रोट एफिनिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लैक कैन में। कैसे सिम्टम रहते हैं, क्या रहते हैं, वो हम डिटेल में सब देखेंगे। ओके, नर्वस सिस्टम, ओवर सेंसिटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, छोटी छोटी चीजों से ये अफेक्ट होते, छोटी छोटी चीजें उनको तकलीफ देती है। और केन ने बोला है कि ज्यादा सब जो सिम्टम है लैक कैन के वो नर्वस सिस्टम के रिलेटेड ही है, मेन सिस्टम अफेक्शन केन के हिसाब से नर्वस सिस्टम है। ओके, अगर आप मटेरिया मेडिका भी पढ़ते हो तो बहुत सारे थ्रोट रिलेटेड सिम्टम आपको मिलेंगे, बहुत सारे ब्रेस्ट रिलेटेड सिम्टम मिलेंगे, माइंड सिम्टम्स भी बहुत अच्छे हुए, क्योंकि एक रीजन क्या है, जो लैक कैन प्रूव जो किया है वो हायर पोटेंसीज में प्रूव किया है, 30 के अबव किया है, 30 to 101 ऐसे पोटेंसीज में लैक कैन प्रूव हुआ है, जो ओल्डन डेज में यूजुअली जो ड्रग प्रूव होते थे वो लो पोटेंसी में प्रूव करते थे, 30s के अराउंड 30 पोटेंसी में ज्यादातर प्रूव करते थे, लेकिन लैक कैन का प्रूविंग है वो हायर पोटेंसीज में भी हुआ है। इसलिए बहुत सारे माइंड सिम्टम्स, डेलिजनल सिम्टम, इमेजिनेशन लेवल के सिम्टम्स जो पेशेंट बोलता है वो भी प्रूविंग में आए हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। तो इसका जीनियस क्या है, जीनियस क्या होता है, जीनियस यानी सेंटर थीम क्या है, मेन कोर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न क्या है जो हर एक सिस्टम में, हर एक सिम्टम में हमें दिखता है लैक कैन में, उसे बोलते हैं जीनियस। जीनियस ये बोगर का टर्म है, बोगर बोलता है कि ऐसी कौन सी चीज है वो हर जगह है, जो हेड में भी मिलेगी, थ्रोट में भी मिलेगी, माइंड में भी मिलेगी, जनरलिटीज में मिलेगी, ऐसी कौन सी चीज है वो कॉमन है, हर जगह प्रेजेंट है वो दवाई का, उससे बोलते जीनियस। अगर हमको एक बार जीनियस समझ में आ गया, एक बार वो कॉमन पैटर्न समझ में आ गया, तो वो दवाई समझने में बहुत आसानी हो जाती है, इजी हो जाता है। ओके, तो फिर अगर ये जीनियस समझ में आ गया तो हमें हर एक सिम्टम याद रखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमें पता है कि मटेरिया मेडिका हर एक सिम्टम, हर एक पर्टिकुलर सिम्टम याद रखना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, बराबर है? और हर दिन रोज नए क्लिनिकल सिम्टम्स ऐड हो रहे हैं, मटेरिया मेडिका और बड़ा और वास्ट होते जा रहा है, तो ये डिफिकल्ट है कि इम्पॉसिबल है हर एक सिम्टम याद रखे। लेकिन अगर हमको ये सेंट्रल थीम, ये जीनियस अगर समझ है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉमन पैटर्न जो हमें दिखता है लैक कैन में वो है वॉन्डरिंग, अल्टरनेटिंग और इरेटिक सिम्टम। ओके, वॉन्डरिंग सिम्टम यानी क्या, वो जगह बदलते हैं। ओके, कभी लेफ्ट साइड को, कभी राइट साइड को, कभी नीक अफेक्ट करते, कभी एल्बो अफेक्ट करते, तो चेंज होते, चेंजेबिलिटी दिखते, शिफ्टिंग रहता है इसमें, वॉन्डरिंग और शिफ्टिंग सिम्टम, अल्टरनेटिंग एंड इरेटिक। ओके, तो इसमें अभी बहुत सारी दवाइयां हैं, आप बोलोगे कि वॉन्डरिंग जो पेन होता है वो पल्सेटिला में भी होता है, पल्सेटिला इज वेरी वेल नोन रेमेडी फॉर चेंजेबिलिटी, जो लोकेशन चेंज करता है, जो शिफ्ट होता है, आज नी दुख रहा है, कल एल्बो दुखेगा, परसों शोल्डर दुखेगा, राइट?
ये शिफ्टिंग वॉन्ड्रिंग पेन हमें पल्सेटिला में दिखता है, वैसा ही शिफ्टिंग वॉन्ड्रिंग लैक्कैन में रहता है, लेकिन फर्क इतना है कि लैक्कैन में क्रॉसवाइज रहता है। क्रॉसवाइज यानी कैसे रहता है, पहले लेफ्ट साइड अफेक्ट होगी, फिर राइट को जाएगा, फिर से लेफ्ट को आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट शोल्डर फ्रोजन शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर अफेक्ट हुआ मेरा, लेफ्ट शोल्डर को पेन है, उसके बाद में राइट शोल्डर अफेक्ट हो जाता है, और राइट शोल्डर के बाद में फिर से लेफ्ट को पेन आता है। ये टिपिकल है क्रॉसवाइज एंड कमिंग बैक टू ओरिजिनल साइड। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट। क्लार्क बोलता है कि दिस इज द ग्रैंड फीचर ऑफ लैक्कैन, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर सिम्टम क्लार्क को लगता है कि एक बाजू से शुरू होकर दूसरे बाजू को जाता है और फिर से जहां से शुरू हुआ वहां को रिटर्न आता है। ये अल्टरनेटिंग, ये अल्टरेशन लैक्कैन का होता है। तो ये वॉन्डरिंग अल्टरेशन आपको फिजिकल लेवल पे भी मिलेगा, आपको माइंड लेवल पे भी मिलेगा, आपको फिजिकल जनरल लेवल पे भी मिलेगा। तो जनरल लेवल पे ये कैसे दिखेगा, इरेटिसिटी, उसको एग्रेवेशन होता है, आज एग्रेवेशन होता है मॉर्निंग में, कल एग्रेवेशन होता है आफ्टरनून में, और परसों एग्रेवेशन होगा इवनिंग में, उसमें भी चेंजेबिलिटी है, इरेटिसिटी है, कुछ फिक्स नहीं है, राइट, टाइमिंग चेंज होता रहता है। तो ये हर एक लेवल पे हमें दिखता है, ये माइंड पे भी दिखता है। केंट ने बोला है वॉन्डरिंग एट लेवल ऑफ बॉडी एज वेल एज वॉन्डरिंग एट लेवल ऑफ माइंड ऑल्सो, माइंड में भी मेंटल सिम्टम में भी ऑल्टरेशन हमको दिखेंगे, अभी खुश है, अभी गुस्सा हो जाता है, फिर से हंसने लगता है, तो ये चेंजेस हमें माइंड में भी मिलेंगे। तो ये सेंट्रल थीम है। और दूसरा है ओवर सेंसिटिविटी, जैसा हमने देखा कि सीट ऑफ एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थ्रोट के साथ में नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम अफेक्ट होने के कारण हमें इसमें ओवर सेंसिटिविटी दिखती है, ओवर सेंसिटिविटी एट एवरी लेवल, ओवर सेंसिटिविटी माइंड के लेवल पे भी, ओवर सेंसिटिविटी बॉडी शारीरिक लेवल पे भी, और ओवर सेंसिटिविटी फिजिकल जनरल सिम्टम्स में भी हमें दिखती है। तो ओवर सेंसिटिविटी है वो हम देखेंगे कि कैसे है डिटेल में। तो ये दो चीजें आपने लैक्टेन के लिए एकदम दिमाग में फिट करना है, ये दो चीजें होनी ही चाहिए अगर आपको लैक्टेन प्रिस्क्राइब करना है तो। और हर एक पर्टिकुलर सिम्टम में भी आपको ये दो चीजें दिखेंगी, एक तो इरेटिसिटी है वॉन्डरिंग में तो ऑल्टरेशन मिलेगा, और दूसरा ओवर सेंसिटिविटी मिलेगी। ओवर सेंसिटिविटी कैसे हमें दिखेगी पर्टिकुलर्स में, जैसे बहुत सारी मोडेलिटीज है, हम देखेंगे कैसे हमें देखना है। ओके, तो ग्रैंड फीचर जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो ये सिम्टम है जो बाकी दवाइयों से लैक्टेन को अलग करता है। ऑल्टरनेटिंग सिम्टम बहुत सारे दवाइयों में है, इग्नेशिया में है, पल्सेटिला में है, राइट, ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स बहुत सारे दवाइयों में रहता है, जैसे कैल्केरफॉस में है, जैसे सबाइना में है, राइट, सबाइना में कैसा है कि एक्सट्रीमिटीज लिम्ब पेन है, पैर दुखते हैं ऑल्टरनेटिंग विथ यूटेराइन सिम्टम्स, राइट, वो सबाइना में ऑल्टरनेट होता है। कैल्केरफॉस में चेस्ट सिम्टम है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस चेस्ट सिम्टम है, किसके साथ ऑल्टरनेट होते हैं, रेक्टम सिम्टम के साथ, जैसे फिशर है, ओके, फिशुला है, फिशुला ऑल्टरनेटिंग विथ चेस्ट सिम्टम और निमोनिया, ये कैल्केरफॉस में दिखता है। तो उसमें सिस्टम ऑल्टरनेट होती है, या जैसे अर्टिका में हमें दिखता है, यारस्टॉक्स में स्किन एंड ज्वाइंट ऑल्टरनेट होता है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ऑल्टरेशन नहीं, हर एक जगह पे हमें ये ऑल्टरेशन दिखेगा। ओके, और स्पेशली क्रॉसवाइज, ये वर्ड आपने इम्पोर्टेंट याद रखना है, क्रॉसवाइज यानी कैसा, कंप्लेंट गोज टू अनदर साइड एंड अगेन कम बैक टू द ओरिजिनल साइड, एक साइड से शुरू होता है, दूसरे साइड को जाता है, और फिर से रिटर्न आता है जहां से शुरू हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये आपने याद रखना है। ओके, तो थ्रोट एफिनिटी हम देखते हैं, थ्रोट में कैसा सिम्टम्स रहते हैं, क्या दिखता है लैक्टेन में। ओके, तो लैक्टेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो हम देते हैं थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, टॉन्सिलाइटिस है, फैरिंजाइटिस है, हम देते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिखता है, जो अपियरेंस है थ्रोट का वो शाइनी होता है, चमकता है, ग्लिस्टनिंग है, ग्लिस्टनिंग यानी कैसे, एकदम उसमें चमक होती है, पॉलिश शाइन रहती है जिसमें, अगर तुम टॉर्च मारोगे तो आपको दिखेगा कि थ्रोट पूरा कंजेस्टेड है, रेड है, लेकिन शाइनिंग अपीयरेंस है उसका, शाइन है उसमें। ओके, और ये जो रहता है वो थ्रोट सेंसिटिव है, एक्सटर्नली सेंसिटिव, अगर हाथ भी तुम लगा नहीं सकते, ओके,
पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर मैं यहाँ इतना दर्द हो रहा है, मुझे इतना पेन है कि बाहर से कुछ टच भी नहीं कर सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता। ये बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम अफेक्शन, ओवर सेंसिटिविटी, बराबर है। तो आपको क्या दिखता है इसमें, ओवर सेंसिटिव का रिफ्लेक्शन दिखता है कि कैसे रहती है ओवर सेंसिटिविटी, एक्सटर्नली सेंसिटिव रहता है, हाथ भी नहीं लगा सकते। और ये जो अफेक्शन होता है थ्रोट का, लेफ्ट साइड से शुरू होता है, कभी भी याद रखो, लेफ्ट साइड अफेक्शन प्रोमिनेंट है लैक कैन में, एक्सटर्नली सेंसिटिव है, लेफ्ट साइड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, थ्रोट पेन है, कॉफ है, टॉन्सिलाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, जो भी थ्रोट रिलेटेड कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट बिगिंस एंड एंड्स विद मेंसेस। जब मेंसेस शुरू हो जाता है तो उसके साथ में थ्रोट अफेक्शन शुरू हो जाता है, उतने चार दिन पांच दिन मेंसेस है तब तक तकलीफ हो जाएगी, मेंसेस खत्म हो जाएंगे, गले की तकलीफ भी कम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही सिम्टम जो है ये इसको लैकेसिस से अलग करता है। यही हमें पढ़ना है, ऐसे ही हमें मटेरिया मेडिका स्टडी करना है, पढ़ना है कि अगर आप देखोगे तो थ्रोट अफेक्शन रहता है लैकेसिस में, एक्सटर्नली सेंसिटिव, ये तो लैकेसिस का सबसे बड़ा सिम्टम है, जो हॉलमार्क है लैकेसिस का, कि वो कॉलर ऐसा टाइट बेयर नहीं कर सकता, लैकेसिस बोलेगा नहीं 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 चाहिए मुझे, टाई नहीं पहन सकता लैकेसिस, कॉलर टाइट नहीं पहन सकता, वो राउंड नेक की टी शर्ट पहनता, वो बोलता है यहाँ पे खुला खुला चाहिए मुझे, बहुत बेल्ट है वो टाइट पहन नहीं सकता है, वो बोलते हैं नहीं नहीं बेल्ट थोड़ा लूज चाहिए मेरे को, ना पेट के अराउंड टाइट नहीं चाहिए, पेट के वहां पे। तो ये बहुत टिपिकल सिम्टम है ना लैकेसिस का, और थ्रोट अफेक्शन है टिपिकली, हम पता है फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, वॉइस अफेक्शन, लैरिंग्स अफेक्शन, वो सब दिखता है, लैकेसिस में भी है, लैकेसिस सेंसिटिव है, लैकेसिस को भी टाइट क्लोथिंग पसंद नहीं है, बहुत टिपिकल, बहुत क्लोज जाता है लैक टेल। लेकिन लैकेसिस का इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि लैकेसिस के सभी सिम्टम्स कम हो जाते हैं एज सून एज मेंसेस अपीयर, जैसे ही मेंसेस आते हैं सब सिम्टम लैकेसिस के कम हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है लैकेसिस का, तो उसके थ्रोट सिम्टम भी मेंसेस आने के बाद कम होते हैं, लेकिन लैक्टेन में मेंसेस आने के साथ में बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस एग्रेवेशन है लैक्टेन में, वो लैक्टेन को लैकेसिस से अलग बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, याद रखना है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक वन ऑफ इंपॉर्टेंट सिम्टम है एम्प्टी स्वेलोइंग एग्रेवेशन, जैसे हम एम्प्टी थूक निगलते हैं, ये बहुत पेनफुल होता है, ये कर ही नहीं सकता लैक्टेन। लैक्टेन बोलता है कि डॉक्टर में ये पानी पीना, कुछ खाना, सॉलिड निगलना, वो तो दूर की बात है, मैं तो सलाइवा भी स्वेलो नहीं कर सकता, इतना पेनफुल, इतनी सेंसिटिविटी है। तो ये यहां पे भी हमें दिखता है कि लैकेसिस में क्या रहता है, टिपिकल लिक्विड एग्रेवेशन रहता है, सॉलिड एमल्गेशन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिम्टम मैं बोलता हूँ दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, थ्रोट अफेक्शन, फेरिंजाइटिस, टिपिकल सीवियर पेन था, और उसने क्या बोला कि सर लिक्विड में पानी पीता हूं तो पेनफुल है, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन अभी मैंने खाना खा रहा हूं, मैं रोटी खा रहा हूं, वो निकल रहा हूं तो तकलीफ नहीं है, बहुत स्ट्रेंज है, बराबर है, पानी तकलीफ दे रहा है लेकिन रोटी निकल रहा हूं तकलीफ नहीं हो रही है। तो ये टिपिकल ऑफ लैकेसिस, तो ये लैकेसिस है। और लैक्टेन में क्या है, एम्प्टी स्वेलोइंग एग्रेवेशन है, सलाइवा में स्वेलो करता हूं मुझे तकलीफ होती है, ये लैक्टेन है। और बेटर किससे है, मोमेंटरी विद कोल्ड वाटर, कोल्ड से थोड़ा बेटर है, ओके, या कोई भी ड्रिंक से लैक्टेन बेटर होता है, वार्म भी चलेगा कोल्ड भी चलेगा, कोल्ड टेम्पररी बेटर करता है वार्म से ज्यादा, ओके, लेकिन वो पेन तो चालू रहता है लैक्टेन में, ये बहुत टिपिकल है। दूसरा दवाई इसमें थ्रोट अफेक्शन में क्लोज आता है, वो फाइटोलैका, फाइटोलैका भी टिपिकल है, फाइटोलैका को भी कोल्ड एमल्गेशन है, लेकिन फाइटोलैका का मेन सेंसेशन है एज ए बर्निंग कोल, ऐसे जलता हुआ कोयला मेरे गले के अंदर रख दिया है, पेन एज ए बर्निंग कोल इज देयर, स्मार्टी बर्निंग पेन ऐसा रहता है, और वो एमल्गेट होता है कोल्ड ड्रिंक की वजह से, ये टिपिकल है। और वो एक इंटेंस रेडनेस रहता है, बर्निंग रहता है, स्मार्टिंग रहता है, और कोल्डनेस, कोल्ड ड्रिंक से एमुलेट होता है, वो फाइटोलैका है, ओके। और इसमें याद रखना है कि एक्सटर्नली सेंसिटिव है, मेंसेस ड्यूरिंग एग्रेवेशन है, एम्प्टी स्वेलिंग एग्रेवेशन है, और कोल्ड से एमुलेट होता है, इतना याद रखना। ये टिपिकल थ्रोट इन्फेक्शन है। ब्रेस्ट, दूसरा जो अफेक्शन मैंने बोला है कि ब्रेस्ट अफेक्ट करता है टेंडरनेस एंड सोरनेस ऑफ ब्रेस्ट। फ्रेंड्स, दोस्तों कभी भी याद रखो, जो भी लैक रेमेडीज है, लैक डेफ्लोरेटन, लैक ह्यूमैन,
सबका एक्शन ब्रेस्ट पे है बिकॉज वो ओरिजिन है, सोर्स मिल्क वहीं से आता है। तो मैमरी ग्लैंड अफेक्शन हमें सब लैब रेमेडीज में दिखता है। तो इसमें मैस्टाइटिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। नैश बोलता है कि दिस इज अ गाइडिंग सिम्टम फॉर प्रिस्क्राइबिंग लैक्टेंट। मैस्टाइटिस कैसे होना चाहिए, बिकॉज कोनाइन भी है, फाइटोले का भी ग्लैंड अफेक्ट करता है, उसमें टेंडरनेस रहता है, कोनाइन भी रहता है, ओके, लैक्टेन में भी रहता है। लैक्टेन में क्या रहता है कि बहुत टेंडरनेस रहता है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टेंडरनेस, सोरनेस रहता है। ये कपड़े भी है ना, वो तकलीफ देता है, वो चुभता है उनको। और लिस्ट जार टच, थोड़ा भी धक्का लग गया, थोड़ा भी, यानी हम चल रहे हैं तो चलने के टाइम पे जो हम स्टेप्स लेते हैं तो उसके जो वाइब्रेशन आते हैं वो वाइब्रेशन भी पेनफुल होते हैं लैक्टेन के लिए। वो जार जो है, वो वाइब्रेशन, वो धक्का लगता है, थोड़ा भी धक्का लग गया तो उसको पेन होता है। और उसका टिपिकल सिम्टम क्या है कि मस्ट होल्ड फर्मली व्हेन गोइंग अप एंड डाउन स्टेयर्स, यानी इतना पेन होता है कि मुझे हाथ से पकड़ के रखना पड़ता है डॉक्टर के। अगर थोड़ा भी हिला, थोड़ा भी धक्का लगा तो मुझे तकलीफ होती है। जब मैं सीढ़ियां उतरती हूँ, चढ़ती हूँ, तो मुझे उसको सपोर्ट करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है ब्रेस्ट को, तो ही वो तकलीफ कम होती है। इतना सेंसिटिविटी, इतना टेंडरनेस ब्रेस्ट में है। अगेन ओवर सेंसिटिविटी जैसे हमने देखा है। और अफेक्शन कैसा रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम वन साइड, एक साइड के ब्रेस्ट से शुरू होता है, मे बी राइट साइड के ब्रेस्ट से शुरू हुआ, फिर लेफ्ट को गया, फिर से राइट को आया, ओके, सेम इन थ्रोट, लेफ्ट को शुरू होता है, फिर राइट को आता है, फिर लेफ्ट को जाता है। ये ऑल्टरनेशन और ये सेंसिटिविटी, ये हमें इंपॉर्टेंट है लैक्टेंट के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट है ड्राई अप द मिल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है टू ड्राई अप द मिल्क। किसी वजह से मदर इज नॉट एबल टू नर्स द बेबी, इन दैट केस इफ यू वॉन्ट टू ड्राई अप द मिल्क, लैक्टेन इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, ओके। तो सेंसिटिविटी जैसे हमने बात करी कि सेंसिटिविटी कैसे रहती है, सो केन ने बोला कि जनरल हाइपरस्थीसिया, हाइपरस्थीसिया मीन्स हाइपर हो जाते हैं सेंसेस हमारे, जैसे जार और मेर टच, सिंपल टच से भी एग्रेवेशन हो जाता है। ओवरऑल हाइपरस्थीसिया होता है थ्रोट एक्सटर्नली सेंसिटिव, ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे दिखती है सेंसिटिविटी, वो हम देखेंगे। ब्रेस्ट सेंसिटिव टू जार, सेक्सुअल ऑर्गन्स इजीली एक्साइटेड, सिंपल टच टू सेक्सुअल ऑर्गन एक्साइट्स देम, ओके, ऐसा है। कॉक्सिक्स, जो उनको पेन जो रहता है टेल बोन में रहता है, कॉक्सिक्स में पेन रहता है, वो सेंसिटिव रहता है टच एंड प्रेशर के लिए, ओके। रेच ऑन स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, तो माइंड लेवल पे भी आप वो सेंसिटिविटी देख सकते हो, स्लाइटेस्ट थोड़ा कुछ हो जाए और वो दे उनका गुस्सा एकदम भड़क जाते हैं, गुस्सा एक्सप्लोड हो जाता है। रेज एंगर नहीं है दोस्तों, शब्द क्या शब्द यूज किए हैं उसमें बहुत अंतर रहता है। एंगर अगर हम यूज करते तो वो डिफरेंट रहता है, और यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, रेज। रेज यानी जो गुस्सा है जिसमें एक्शन दिखता है, जिसमें हम वॉयलेंट हो जाते हैं, जिसमें एक्शन दिखता है, हम तोड़फोड़ करते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम गाली देते हैं, हम झगड़ा करना शुरू करते हैं, ओके। तो वो वॉयलेंट एंगर हो जाता है स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन पे, छोटी चीज से वो गुस्सा हो जाते हैं। तो ये सेंसिटिविटी डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हमें दिखती है। फिजिकल जनरल्स पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये सीजन स्पाइसी फूड, तीखा खाना इन्हें बहुत पसंद है। और ये मैंने केस में भी देखा है, मेरे केस कि लैक्टेन के केस में सॉल्टी फूड और तीखा खाना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजन स्पाइसी फूड, कॉन्डिमेंट्स, चटनी, अचार, तीखा, ऐसा पसंद है। और सॉल्ट अगर आप पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सिम्टम है, ओनली सॉल्ट टेस्ट, सॉल्ट टेस्ट नाइस, सिर्फ नमक का टेस्ट उनको समझता है, वो अच्छा लगता है, ऐसा मटेरिया मेडिका में भी दिया है। और मैंने केसेस में देखा है कि उनको सॉल्ट डिजायर रहती है और हाईली सीजन स्पाइसी फूड की रहती है। हंगर आफ्टर मील्स एज बिफोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं कैनाइन हंगर, कैनाइन हंगर कैसे, कैनाइन हंगर यानी वोरेशियस एपेटाइट, वो जो एपेटाइट, जो हंगर है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती है, हम खाते ही रहते हैं। हंगरी आफ्टर मील्स एज, यानी हमको भूख लगी है, हमने खाना खाया, अच्छे से खाना खाया पेट भर के, और तुरंत हमें लगता है कि यार फिर से भूख लग गई, पहले जैसी, जैसे खाना खाने से पहले भूख लगी थी वैसे भूख फिर से लग गई।
तो हंग्री आफ्टर मील एज बिफोर, कैनाइन हंगर, कैनाइन हंगर ऐसा रूब्रिक रहता है रेपर्टरी में, इससे ही आया कैनाइन यानी डॉग, डॉग जैसी हंगर। अगर हमारा कोई फ्रेंड है कि बहुत भुक्कड़ है, बहुत खाता है, तो हम क्या बोलते हैं, क्या जैसे कुत्ते जैसा खा रहा है, तो ये कुत्ते जैसा खाना है, दैट इज टिपिकल ऑफ कैनाइन हंगर। ये लोगों को वैसी हंगर है, खाते रहते हैं खाते रहते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं होती है। अपोजिट कैसा है, लाइकोपोडियम जैसा मेडिसिन, उसमें भी हंगर है, वोरेशियस है, लेकिन फ्यू माउथफुल फिल अप टू द थ्रोट। एक दो निवाले खाते हैं, बोलते अरे पेट फूल गया, अरे बाप रे फूल गया पेट, बहुत हो गया, नहीं बस। लेकिन इसमें उल्टा है, खाता ही रहता है लेकिन भूख मिटती नहीं है, ये टिपिकल है। ओके, तो ये हो गए फिजिकल जनरल। इसके आगे हम जाएंगे मोडेलिटीज। मोडेलिटीज में क्या है कि सेंसिटिविटी के वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टच और जार से एग्रेवेट हो जाते हैं बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस। ये जनरल एग्रेवेशन एंड एमुलेशन है, याद रखो कभी भी। माइंड लेवल पे थोड़ा डिफरेंट है, वो हम बात करेंगे। फिजिकल लेवल पे तो डेफिनेटली ड्यूरिंग एंड बिफोर मेंसेस एग्रेवेट होते हैं। कुछ कुछ सिम्टम है जैसे ओवेरियन पेन है विच गेट्स एमुलेटेड बाय अपीयरेंस ऑफ मेंसेस, इक्का दुक्का जो सिम्टम है उसमें दिया है। कुछ ऑथर्स ने ऐसा भी बोला है कि जो ब्रेस्ट हेवीनेस टेंडरनेस है वो अपीयरेंस ऑफ मेंसेस से कम होता है, लेकिन वो बहुत नेचुरल है, वो बहुत कॉमनली भी देखते हैं हम। बहुत सारी महिलाएं बोलती है कि ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है बिफोर मेंसेस और वो मेंसेस अपीयर होने के बाद में कम होता है, वो तो थोड़ा हार्मोनल चेंजेस की वजह से रहता है। लेकिन स्पेशली जो अदरवाइज एग्रेवेशन हम देखेंगे लैक्टेंस में, वो बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस है। कोल्ड एयर कोल्ड ड्राफ्ट एग्रेवेट करता है। दो लोकली कुछ सिम्टम है जैसे जॉइंट पेन है, रूमेटिज्म है, वो कोल्ड एमलेशन है लैक्टेंस में। और अदरवाइज जनरलिटीज में जनरल लेवल पे कोल्ड उनको अफेक्ट करता है, ठंडी हवा सेम नहीं होती, इमीडिएटली दे कैच द कोल्ड, दे कैन स्टार्ट स्नीजिंग, दे कैन हैव द फेरिंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस सिम्टम। ओके, मॉर्निंग ऑफ वन डे एंड इवनिंग ऑफ नेक्स्ट डे द इरेटिसिटी हमने डिस्कस किया था, वो मॉडलिटीज में भी दिखता है। एमलेशन बाय कोल्ड एयर, कोल्ड ड्रिंक जैसे हमने बोला कि थ्रोट लेवल पे कोल्ड ड्रिंक एमलेशन है, रूमेटिज्म जॉइंट पेन है, कोल्ड एप्लीकेशन से एमुलेशन होता है, तो इसमें भी हमको इरेटिसिटी दिखती है। कुछ सिम्टम इससे एमुलेट हो रहे हैं वार्म से, कुछ सिम्टम कोल्ड से हो रहे हैं, तो ये चेंजेबिलिटी हमको मॉडलिटीज के लेवल पे भी दिखती है। ओके, तो ये होगा इन शॉर्ट लैक्टेन, इरेटिसिटी, वॉन्डरिंग, क्रॉस वाइज ऑल्टरेशन एंड ओवर सेंसिटिविटी, अफेक्शन टू थ्रोट एंड ब्रेस्ट, मैस्टाइटिस, ग्लैंड्स, नर्वस सिस्टम। ओके, इन शॉर्ट ये लैक्टेन है। अभी हम देखेंगे कि उसके माइंड सिम्टम कैसे है। तो ये तो कैसा है फ्रेंड्स, ये अगर माइंड सिम्टम हमको लैक्टेन के समझ के लेने हैं, तो हमें डॉग का इवोल्यूशन समझ के लेना है, राइट। डॉग के मिल्क से दवाई बनती है, तो डॉग का जो
उसमें जो डीएनए है, उसमें जो जीन है, वो हंटर का है, वो शिकारी का है। जो जंगल में कुत्ता रहता है वो शिकारी कुत्ता रहता है, वो पैक में दो चार मिलके वो शिकार करते हैं। ओके, बहुत लाखों साल पहले वो जंगल में शिकार करते थे, सिर्फ 14,000 साल पहले हमने उनको पालतू बनाया, उनको घरेलू बनाया, उनको डोमेस्टिकेट हमने किया है। तो उनमें अभी भी वो इंस्टिंक्ट है, वो जंगली जो उनका नेचर है, हंटिंग का नेचर है, शिकार करने का नेचर है, वो अभी भी उनके जीन्स में है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लेफ कनाइनम में। ओके, उनके पूर्वजों ने भेड़िया, तो भेड़िया जो है वो जो वुल्फ है उनके जीन्स अभी भी डॉग में है। ओके, और अभी जो जंगली है, जो शिकारी है, उसको हमने डोमिनेट करके पालतू बना दिया। तो अभी आप उसका माइंड समझ सकते हैं कि जिसमें जीन्स शिकारी के है लेकिन अभी वो पालतू बन गया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट के बीच में लैक्टेन के माइंड सिम्टम डेवलप होते हैं। ओके, तो ये माइंड सिम्टम कैसे रहते हैं कि कुत्ता जो है, हमें देखा है कि वो उसका पूरा एनर्जी रहता है, वो किसमें रहता है, कीपिंग इट्स मास्टर हैप्पी। जो हमारा, जो मुझे खाना देता है, जो मेरा मालिक है, वो मालिक को मैंने खुश रखना है। आपने देखा होगा, अगर आप घर पे आते हो तो आपका पालतू कुत्ता अगर है, पेट है, वो कितना खुश हो जाता है। वो आता है आपके पास, आता है, जब करता है, लिक करता है, बराबर है, तो वो खुश हो जाता है। और वो जो आप बोलते हो वो करता है। आप बॉल फेंकते हो वो लेके आता है, आप स्टिक फेंकते हो वो लेके आता है, आपको एंटरटेन करता है, आपकी रक्षा करता है, अगर कोई अनजान आदमी आ गया तो भूखता है, आपको प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है। तो मास्टर को हैप्पी रखने का काम लैक्टेन करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर मैं मेरे मालिक को खुश रखूंगा तो ही मुझे खाना मिलने वाला है, क्योंकि अभी मैं पालतू हूं, अभी मैं उसके रहमो करम पे जी रहा हूं। तो ये उसका मेन फीलिंग है। और वो, उसको क्या लगता है कि वो कितना भी भले कुत्ता अपने मालिक के लिए करे, कितना भी उसको खुश रखे, लेकिन है तो वो कुत्ता ही है। कितना भी कुत्ता, कुत्ता ऐसा बोलता है मैंस बेस्ट फ्रेंड, सबसे लॉयल रहता है। ओके, फिर भी कुत्ता एक गाली बन गई है। अगर कोई अच्छा नहीं बर्ताव करता है, किसी पे हम गुस्सा आता है, अगर हम गुस्से में क्या बोलते हैं, अरे वो कुत्ता है। तो इतना सब करके भी कुत्ता एक गाली बन गई है। तो उसमें क्या रहता है कि उसको ये फीलिंग अभी आ गई कि मैं कितना भी अच्छा करूं, मैं तो मेरे मालिक को हमेशा खुश नहीं रख सकता, मैं तो उसके बराबर का कभी हो नहीं सकता, क्योंकि मैं इंफेरियर हूं, मैं पलता हूं, वो जो फेंकता है उसके फेंके हुए टुकड़े पे मैं पलता हूं। ये फीलिंग है लैक्टेन का। तो उसको हमेशा लगता है कि मैं छोटा हूं, इंफेरियर हूं, मेरी औकात ही नहीं है। ओके, उसका सेल्फ स्टीम बहुत कम होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। तो सिम्टम हमें क्या मिलता है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम डिस्पाइज्ड एंड लुक डाउन अपॉन। मुझे हम लोग सब नीचा देखते हैं, तू नीचा है, तू गंदा है, तू छोटा है। ये फीलिंग उनमें डेवलप हो जाती है। ओके, तो ये Recording stopped. Okay, so sorry, आज बार बार नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम कहां पे थे? Recording in progress. कि ये उसको ऐसे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं नीचा हूं, मैं गंदा हूं, और मुझे सब लोग नीचा दिख रहे हैं। और ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइटी सबसे
फ्रॉम डाउट अबाउट ऑफ, तो उसको लगता है कि यार मैं लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ बन नहीं सकता हूँ, मैं मेरे लाइफ में सक्सेस लिखा ही नहीं है, ये उसके मन में बैठ जाता है। और ये टिपिकली हमें हर एक केस में जो लैकन का केस दिखता है ना, मैक्सिमम केसेस में दिखता है कि उसको ये फीलिंग रहता है। उसका मेन टिपिकल जो सेंटेंस मैंने देखा है, जो ऑलमोस्ट सभी मेरे लैकन के केसेस में दिखता है, कि वो बोलता है कि यार मुझे ऐसे वो नौकर के जैसे बर्ताव करते हैं, जैसे मैं नौकर हूँ, जैसा उनका काम करने के लिए मैं आया हूँ। ये जो स्लेवरी का फीलिंग है कि मैं नौकर जैसा हूँ, मेरा जो है औकात नहीं उनके साथ खड़े रहने की, वो उनके फेंके हुए पैसे पे मैं पलता हूँ, ये फीलिंग लैकन को आती है। ये बहुत बहुत डीप डाउन कोर फीलिंग है लैकन की। ओके, तो उसके वजह से क्या होता है कि हमने देखा है कि दो एक्सट्रीम है। अभी एक साइड को हमने देखा कि कुत्ता जो है वो एकदम लॉयल होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है अपने मालिक का, और वो सब करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी सेंसिटिविटीज भी है। अगर गलती से भी कुत्ते के पूंछ पे पैर पड़ गया तो एकदम एग्रेसिव हो जाता है, काटने को आता है, राइट? वो कितना भी भले लॉयल रहे, कितना भी प्लीजिंग रहे मालिक के, लेकिन अगर पूंछ पे पैर गिरता है तो वो एग्रेसिव हो जाता है। तो वही चीज हमें लैक्टेन पेशेंट में भी दिखती है, इंटेंस एग्रेशन है, इंटेंस वॉयलेंस है। ओके, और वो स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन पे, जैसे हमने सेंसिटिविटी देखते के वक्त देखा कि रेज ऑन इन स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, तो वो क्या है, सिर्फ पूंछ पे पैर पड़ गया, गलती से सिर्फ पूंछ पे पैर गया और वो वायलेंट हो जाता है, काटने के लिए दौड़ता है। तो वो वायलेंस एग्रेशन रेज हमें दिखता है छोटी छोटी चीजों पे। कुछ चीज हमने गलत बोल दी, कुछ उसको हर्ट हो गया और वो एकदम गुस्सा हो जाता है, एकदम एक्सप्लोड हो जाता है गुस्से से, जिसमें हमें क्या दिखता है, कर्सिंग एंड स्वेरिंग है, गाली देता है, गाली गलौज करता है। ओके, और रेज है, तोड़ फोड़ करता है। तो ये गुस्सा एकदम स्लाइटेस्ट पॉज से भी उभर आता है। ओके, तो ये कब होता है, अगर कोई बंदा दूसरे को खुश करने के लिए, अगर मैं किसी को डोमिनेट कर रहा हूं और वो मुझे खुश करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, और फिर भी मैं उसको अच्छा नहीं बोलता हूं, फिर भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता हूं, तो एक दिन ये गुस्सा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। सेम वो लैक्टेन के साथ होता है, और वो जो गुस्सा आता है तो बहुत बुरी तरीके से आता है, क्योंकि उसमें वाइल्ड, उसमें भेड़िया के जीन से, ये हंटर है, शिकारी है, तो वैसा गुस्सा बहुत एग्रेशन में, वायलेंस में, कर्सिंग स्वेरिंग में बाहर निकलता है। ओके, और उसके बाद में, इसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट थीम जो है वो स्नेक ड्रीम्स, सपने में भी स्नेक आते हैं, डेल्यूजन रिलेटेड स्नेक एंड फियर ऑफ स्नेक। स्नेक का थीम ना फ्रेंड्स, लैकेसेसी पे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्नेक का थीम लैकेन में है। लैकेन को सपने में भी सांप दिखता है। मेरा एक पेशेंट था, इक्थायसिस की थी वो लड़की, जिसमें पूरे बॉडी पे स्केल्स रहता है, ड्राइनेस एंड स्केल्स ऑफ द स्किन, पार्च स्किन रहती है। तो उसमें उसको ऐसा था कि डॉक्टर, मैं किसी भी चेयर पे बैठूं तो मैं पहले नीचे चेक करती हूँ किधर सांप तो नहीं है ना, अगर टेबल है तो मैं पहले स्टडी को बैठती तो पहले टेबल के नीचे देखती हूँ कि सांप तो नहीं है ना, मुझे ऐसे लगता है अरे सांप है क्या, वो नीचे से आ गया, तो मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, नीचे से सांप आ गया। तो उसको इतना फैसिनेशन रहता है ये लोगों को स्नेक का। मेरा एक पेशेंट, अभी मैं केस बोलने वाला हूँ, वो केस में ऐसा था कि उसको ड्रीम में भी स्नेक दिखता है। उसकी एक फ्रेंड थी जिसके घर में सांप रखे हुए थे, तो वो हमेशा वो फ्रेंड के पास जाती थी और वो बोली कि मुझे वो अच्छा लगता था, वो स्नेक की मूवमेंट देखना, वो स्नेक को टच करना, जैसे रिदम में वो मूव करते हैं, तो बहुत फैसिनेशन रहता है। या नहीं तो एकदम एक्सट्रीमेंट पे हमें फियर ऑफ स्नेक दिखेगा। तो ये स्नेक का, और माइंड लेवल पे फ्रेंड्स याद रखो, ये कंफर्मेटरी सिम्टम है, आप ये पूछ सकते हो लैकन कंफर्म करने के लिए, आपको स्नेक का ड्रीम आता है क्या, या डर लगता है क्या, या आपको अच्छा लगता है क्या, डिस्कवरी पे आप क्या देखते हो। बहुत बार टाइम ये लोग बोलेंगे कि डॉक्टर हम स्नेक के प्रोग्राम देखते हैं। ओके, सो फियर्स भी रहते हैं बहुत सारे, जैसे स्नेक का रहता है, डिसीज का रहता है, सम हॉरिबल डिसीज। ओके, सो क्लीनलीनेस डिजायर भी रहता है लैकन में, फॉलिंग डाउन स्टेयर, फॉरगेटफुलनेस रहता है, एब्सेंट माइंडेडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। टिपिकल डिफ्रेंसिएशन हमने देखा कि लैकेसिस और फाइटोलैका, लैकेसिस इज क्लोजेस्ट एनालॉग हमने देखा, लेकिन लैकेसिस स्नेक की क्वालिटीज हमें दिखती है, हाइडिंग नेचर रहता है स्नेक का, रिवेंजफुल मैलिशियसनेस रहता है, कोल्ड ब्लडेड है स्नेक, मौका देख के वार करते हैं, एकदम एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन लैकेन में हमने जैसा कि भड़क गए तो एकदम एक्सप्लोड होता है अंदर। तो फाइटोलैका की भी हमने डिफ्रेंसिएशन देखा कि थ्रोट लेवल पे
कैसे फाइटोलेका और कैसे लैकेसिस भी डिफरेंशिएट होते हैं। तो एक एक केस मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स लैक कैन का। मेरे पास एक फीमेल आई थी फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म और उसके एंटीबॉडीज भी बड़ी थे। हाइपोथायरॉयडिज्म रिसेंटली डायग्नोस हुआ था, उसने कुछ भी एलोपैथिक मेडिसिन शुरू नहीं किया था। शी बिलीव इन होम्योपैथी सो शी डायरेक्टली कम टू मी फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट। और उसका मेन इशू क्या था, उसके फादर इन लॉ थे वो बहुत ही डोमिनेटिंग थे। इसका एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ था, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करना था, उसको और जॉब भी करना था, लेकिन ससुर उसके इतने डोमिनेटिंग थे। वो बोले कि वो हमेशा मुझे टॉर्चर करते थे, उन्होंने मुझे जॉब करने को नहीं दिया, वो मुझे बाहर जाना अलाउ नहीं करते थे, और मुझे वो ह्यूमन बींग के जैसा, मैं भी एक ह्यूमन बींग हूँ, ऐसा मुझे कभी बिहेव ही नहीं, मेरे साथ बिहेव ही नहीं करते थे। वो जो ससुर थे वो रिटायर्ड बहुत बड़े अफसर, कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समथिंग, ये पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे। तो उनका ये बहुत ज्यादा था ईगो, और वो तो वो ऐसा रहता था कि वो बोल, उसने बताया कि वो मुझे ऐसे बिहेव करती थी कि मैं उनके नीचे काम करने वाली हूँ, जैसे मैं घर में नौकर हूँ। मुझे बोलने का भी अधिकार नहीं था, मुझे बोलने का, मेरा ओपिनियन रखने का भी हक नहीं था, एज इफ मैं नौकर हूँ घर की। तो आप समझ रहे हो कि इसमें ये डेलिजन दिख रहा है, डेलिजन डिस्पाइज और डेलिजन लुक डाउन अपॉन, मुझे नीचा दिखाना। ओके, जैसे मैं घर में नौकर हूँ, स्लेव हूँ, काम करने के लिए लाया, मुझे बोलने का भी अधिकार नहीं है। वो उसने बोला था कि वो मुझे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे लेक्चर देते थे, वो कुर्सी पे बैठ के लेक्चर देंगे और हमने खड़े रह के सब सुनना है, जैसे वो राजा है और हम उनकी प्रजा है, हम सबॉर्डिनेट है, ऐसा फील उनको आता था। तो ये टिपिकल है लैकन का फीलिंग। और बोलती थी इसके वजह से मुझे इतना गुस्सा आता था, वो सब गुस्सा मेरे बच्चों पे निकल जाता था, मेरे हस्बैंड पे निकल जाता था, मैं चिल्लाती थी, मैं चीजें फेंकती थी, मैं गाली देती थी, वो सब गुस्सा मेरा बच्चों पे और हस्बैंड पे निकलता था। लेकिन ये चीज उसको बहुत अफेक्ट करती थी। और वो बोली मुझे सबसे डिस्ट्रेसिंग था कि मेरे सासू माँ को जैसे वो बिहेव करते थे उनके साथ में, वो बहुत ही हर्टिंग था और मुझे वैसा बिल्कुल नहीं होना था। जैसा उन्होंने उनको टॉर्चर किया लाइफ टाइम, जैसा उनको बांधे रखा, जैसे उनको फ्रीडम नहीं दिया, तो इनको फ्रीडम भी चाहिए रहता है, जैसे कुत्ते को हम बांध के रखते हैं ना, तो ये इशू भी बहुत आता है। मेरे मन जैसा मुझे जो करना है वो मुझे करना है, वो उनको नहीं मिलता है डोमिनेशन की वजह से। तो कुछ ना कुछ ऐसा डोमिनेटिंग फोर्स रहता है जो उनको नीचे दिखाते रहता है। एक्चुअल में डोमिनेटिंग फोर्स रहेगा या उनके परसेप्शन में रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेफ्ट हैंड के लिए। ओके, और इसको ड्रीम भी ऐसे थे, उसको ड्रीम में ऐसा लगता था कि कोई सांप है और उसके चेस्ट पे बैठ के फन निकाला हुआ है। ड्रीम था उसको स्नेक का, बहुत टिपिकल। उसको स्पाइसी डिजायर था, सॉल्टी डिजायर था, सेंसिटिविटी भी दिखी उसको, कोल्ड ड्राफ्ट, कोल्ड एयर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। इमीडिएटली शी यूज टू कैच कोल्ड, उसको सर्दी खांसी हो जाती थी। तो टिपिकल सब लैक कैन का पिक्चर मिला फ्रेंड्स। मैंने उसको लैक कैन चालू किया 200 पोटेंसी, देन 1 एम, शी रिस्पॉन्डेड ब्यूटीफुली लैक कैन टू लैक कैन। उसको हाइपोथायराइड के लिए कुछ भी एलोपैथिक दवाई नहीं दी, सिर्फ होम्योपैथी पे उसका TSH नॉर्मल आ गया सिंस 2 ईयर्स। अभी पिछले 2 साल से कंप्लीटली नॉर्मल है उसका, और एंटीबॉडीज भी नॉर्मल आ गए। सो शी इज कम्प्लीटली, और उसका माइंडसेट पूरा बदल गया। ये सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए जो ताकत रहती है, उसका परसेप्शन बदल गया। अभी उसको प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अभी उसने वो ढाल लिया है, खुद को अडॉप्ट कर लिया है। ये होता है, ये ब्यूटी है होम्योपैथिक मेडिसिन से, ये सिर्फ अपने दवाई से होती है। डिसीज बीमारी तो ठीक होने वाली है, लेकिन ये जो चेंज ऑफ परसेप्शन है, मेरा दृष्टिकोण बदल जाता है, ये होता है होम्योपैथिक वजह से। तो इन शॉर्ट दोस्तों, ये है लैक कैन। तो और हम टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से थोड़ा सा फास्ट हमने किया, लैक कैन फास्ट देखा, बहुत डिटेल में हम गए नहीं, इंपॉर्टेंट एरिया ही सिलेक्ट किए। लैक कैन का स्टडी जारी रखिए और डिफरेंट डिफरेंट ऑथर से पढ़िए। और हम ये श्रृंखला जो है ये MM सीरीज है, हिंदी में कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट वेनसडे 4 बजे हम मिलेंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कोई अलग स्पीकर रहेगा, ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग दवाई ड्रग डिस्कस करेंगे। तो तब तक गुड बाय, स्टे सेफ, फिर से मिलेंगे, सी यू सून, और MM पढ़ते रहिए। थैंक यू।
Recording stopped.